7 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू था कठुआ की पावन धरती पर। यहाँ 15 सालों से ये कार्यक्रम चलता है कठुआ के इस पवित्र प्रांगण में। तो 10 दिन ये कार्यक्रम हुआ, हर रोज सुबह पूजा होन होती थी, शाम को संध्या भजन होता था और रात को रासलीला का कार्यक्रम होता था। रात को भी 2 बजे रासलीला का कार्यक्रम खत्म हुआ, मगर भक्त वहां से हिले नहीं। तो आज विसर्जन है, आज इस विसर्जन की बेला पर मैं सभी भक्तों को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं देता हूं और श्री गणेश महाउत्सव ट्रस्ट की तरफ से सभी का अभिनंदन करता हूं। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, सबसे पहले म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ का मैं धन्यवादी हूं, जिन्होंने वहां पर अच्छा साफ सुथरा बना करके दिया है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं, इसके साथ प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग किया है, PHE डिपार्टमेंट जिन्होंने हर रोज वहां पर पानी का टैंक पहुंचाने का काम किया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी हम धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए लंगर का प्रसाद लगाया है, वहां पर हर व्यवस्था को करने का काम किया है, हम उन सब हम गणेश उत्सव ट्रस्ट की तरफ से सबका धन्यवाद करते हैं। भैया बताएंगे जो गणपति आज विसर्जन हुआ है यहाँ। गणपति का विसर्जन कठुआ की जनता का बहुत सहयोग रहा और मैं सबसे पहले आप मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी कवरेज घर घर तक पहुँचाते हैं, गाँव गाँव तक पहुँचाते हैं। और मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आकर हमारी शोभा बढ़ाई, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सनातन को आगे लाने के लिए हमारा सहयोग किया। ऐसे ही कार्यक्रम सनातन को बढ़ाने के लिए हम करते रहेंगे। और मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने हमारा लंगर जिन्होंने हमारे हमें सहयोग किया, लंगर में, गाड़ियों में, स्कूल वालों का, चाइनीज कलर स्कूल का, लिटल एंजल स्कूल हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल का, PHE डिपार्टमेंट का, रेस्टर वाले प्रिंस जिन लोगों ने हमें रहा, इसमें वेकर्स वाले वार्ड नंबर 8 से बिट्टू बीरबल जी का जो ग्रुप है, वार्ड नंबर 14 से रामनगर से वहाँ की एक लंगर कमेटी है, उन्होंने आज इस शोभा यात्रा में DJ का कार्य अपना योगदान दिया और इस शोभा यात्रा को 4 चांद लगाने की कोशिश की।